नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वक्त आईपीएल को लेकर तमाम अपडेट्स यूएई के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। कुछ टीम जो है वो अबू धाबी में प्रैक्टिस कर रही है, कुछ टीम दुबई में प्रैक्टिस कर रही है। मैक्सिमम टीम्स जो है वो दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं, और दुबई में प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि जो कोविड के वहाँ पर रूल्स हैं, क्वारंटीन को लेकर जो रूल्स हैं, वो थोड़े से कम हो जाते हैं अगर आप उनकी तुलना करें अबू धाबी को लेकर। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि चेन्नई सुपर किंग्स की खबर आपको पता है, 14 लोग पूरी की पूरी मैनेजमेंट में से, जिनमें दो खिलाड़ी भी हैं दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़, कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं और इसके बाद हड़कंप मच जाता है। इस बीच सुरेश रैना वापस भारत आ जाते हैं। हरभजन सिंह के जाने पर अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो नहीं जाएंगे। बहुत हद तक ये अब तय मानिए कि हरभजन सिंह भी सीएसके का हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं इस आईपीएल में, उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है सीएसके के फैंस के लिए, जो महेंद्र सिंह धोनी को प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि आज से चेन्नई की टीम प्रैक्टिस शुरू कर रही है। उम्मीद कीजिए कि अब भारतीय समय के अनुसार ये लगभग 6 से 7 बजे का वक्त होगा, क्योंकि एक तो हम 1.5 घंटा पहले ही जो है वो वक्त के लिहाज से देखें तो आगे चलते हैं अगर हम यूएई के टाइमिंग्स के हिसाब से देखें। और दूसरी बात ये कि टीम्स वहाँ पर थोड़ा सा लेट इवनिंग में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में टीम्स यही कोशिश कर रही हैं कि जैसे जैसे जो है वो दिन ढल जाए पूरी तरह से, उसके बाद चाहे फ्लड लाइट्स में ही प्रैक्टिस करनी पड़े कोई बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मैचेस जो आपको खेलने हैं आईपीएल में वो डे नाइट ही होंगे। अभी तक शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जो शेड्यूल आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 10 मैचेस होंगे, जो डे डे में, यानी जो दोपहर भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे से शुरू होंगे। तो ऐसे में जब ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये देखना बेहद दिलचस्प है कि अब प्रैक्टिस की तस्वीरें कितनी अलहदा होंगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के अंदर से ये बार बार संदेश आ रहा है कि खिलाड़ी जो है वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं। ये पब्लिकली कहीं नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं, चाहे फ्रेंचाइजीज में से किसी से बात हो रही है, चाहे प्लेयर्स में से किसी में से बात हो रही है, तो खिलाड़ियों के अंदर ये सुगबुगाहट है कि यार डर तो नहीं लग रहा है। कोविड के केसेस 13 लोग, आप सोचिए 40 लोगों का मैक्सिमम ग्रुप गया है, जो यहाँ पे से लोग गए हैं एक टीम के साथ वो 40 है, मैक्सिमम संख्या 40 है, किसी टीम में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस ऐसे एक बबल में से 40 में से 13 लोग कोविड पॉजिटिव आ जाए तो डर लगना बहुत स्वाभाविक है। खिलाड़ियों से जो हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि डर लग रहा है थोड़ा सा, और अभी जो है ना वो ईज आउट होने में चीज़ों को थोड़ा सा वक्त लगेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो कोविड का टेस्ट हुआ था उसमें सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चाहर का टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन बाकी खिलाड़ियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो आज शाम सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की तस्वीरें यही मिलेंगी, महेंद्र सिंह धोनी की प्रैक्टिस की तस्वीरें देखना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर चेन्नई का फैन इस वीडियो को देख सके और जान पाए कि आज शाम से चेन्नई की टीम प्रैक्टिस कर रही है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, और इसके साथ शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।